हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर बेस्ट निच अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और आप सोच रहे हैं कि किस पे स्टार्ट किया जाए। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे मैं लंबी चौड़ी लिस्ट लेके नहीं आया हूँ, 10, 12, 15, 30, 50। मैं आपके लिए सिर्फ चार बेस्ट निच लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट आने वाला है और आपने अभी तक इसके ऊपर काम नहीं शुरू किया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आप काम इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आज मैं निच बताने वाला हूं उसके अंदर आपका बेनिफिट क्या है। सो पहला जो बेनिफिट है वो इजी टू डू है, मतलब कि आप इसको बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है वो आपका हाई सीपीसी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस भी निच की आज मैं बात करने वाला हूँ वो एकदम ऐसे निच है जिसके ऊपर मतलब बिना काम करे बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा आपको मिलता है गूगल एडसेंस की तरफ से। बाकी अगर आपके पास और भी सारे ऑप्शन है पैसे कमाने के तो आप उससे कमा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, या फिर प्रोडक्ट आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच सकते हैं, राइट। सो कई सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाता है तो। एंड दोस्तों इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने बहुत सारे टैब ओपन करके रखे हैं सो दैट हमारा जो टाइम है वो कम लगने वाला है इस वीडियो के अंदर। ओके, सो दोस्तों सबसे पहली जो निश है वो है आपकी फेवरेट निश, किस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट है, मतलब कि किस फील्ड के अंदर आपको नॉलेज है, किस फील्ड के अंदर आप लोगों को बता सकते हैं, किस फील्ड के अंदर आप लोगों को ट्यूटोरियल दे सकते हैं, किस फील्ड के अंदर आप लोगों को अच्छी सी जानकारी दे सकते हैं अगर किसी के भी माइंड में किसी भी टाइप का आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन मनी के बारे में, राइट, कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, YouTube कैसे स्टार्ट करते हैं, YouTube कैसे ग्रो करते हैं, तो इन सब के ऊपर अभी जो मेरी वीडियोस आ रही है। तो इसके अंदर आपको चुनना पड़ेगा आपका अपना निश, राइट। जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं तो इसके ऊपर बताइए, आप अगर पैसा डबल करना जानते हैं तो उसको बताइए, स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए, किताब के बारे में बताइए, गेमिंग के बारे में बताइए, मतलब जिस भी फील्ड के आपके इसके अंदर नॉलेज है वो आप इसके अंदर ले सकते हैं। आपका फेवरेट निच जो कि आपको आसान लगे करने में, आपको बोरिंग ना लगे, अगर आपसे पूरा दिन बोल दिया जाए काम करने के लिए तो आप उसके ऊपर काम करते रहें, तो आप उसके ऊपर वीडियो स्टार्ट करिए, जल्द से जल्द स्टार्ट करिए और जितनी मर्जी वीडियोस को फटाफट से डालते रहिए, अपलोड करते रहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, राइट, और उसके बाद आपकी अर्निंग भी आपके चैनल के हिसाब से फिर आएगी। सो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे निश की और उसके अंदर बात करते हैं गेमिंग निश। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं गेमिंग जो सबसे ज़्यादा खेली जाती है वो मोबाइल से खेली जाती है, ना कि लैपटॉप से, ना तो टैबलेट से, मोबाइल से गेमिंग खेली जाती है। इसका मतलब कि आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर देख रहे होंगे। अगर आप मोबाइल के अंदर देख रहे हैं तो 100% आपके पास मोबाइल होगा, और अगर आप कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं तो 100% कि आपके पास मोबाइल तब भी होगा, राइट। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको जो भी गेम आप डेली बेसिस पे खेलते हैं उसके ऊपर आपको वीडियोस बनानी है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस बनाइए, कुछ नया लेवल आपने अचीव किया तो उसके अंदर क्या आपने इशू फेस किया, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, ये सब के ऊपर आप वीडियो बनाइए। लोग भी ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी को बताएंगे कि इस लेवल को कैसे अचीव करते हैं या फिर क्या परेशानियां मुझे इस लेवल को अचीव करने में आई, तो लोग ये सब देखना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने देखिए कुछ सर्च किया गेमिंग वीडियोस, तो यहाँ पे देखिए कुछ वीडियोस आ गई, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 दिन के अंदर जो वीडियो की व्यूज है वो 1.8 मिलियन, मतलब देख पा रहे हैं आपके 2-2 मिलियन का व्यूज एक एक दिन में आ जा रहा है, राइट। और अब मैं इनके चैनल की अर्निंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 चैनल ओपन करे हैं इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एएस गेमिंग, इनकी मिलियंस में सब्सक्राइबर है, मतलब 11 मिलियन के आसपास इनके सब्सक्राइबर है। और एक पहला चैनल है टोटल गेमिंग, इनके जो सब्सक्राइबर हैं 24.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। देख पा रहे होंगे अगर मैं चैनल की बात करता हूँ तो ये चैनल 2018 में स्टार्ट हुआ था, और अगर मैं एएस गेमिंग की बात करता हूँ तो ये चैनल आप देखेंगे 2016 में स्टार्ट हुआ था, राइट। मतलब इन्होंने जो काम किया है अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, दबा के काम किया है, सो दैट इनके जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस बनानी है आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, गेमिंग निश से रिलेटेड। अब मैं इनके चैनल्स की बात कर लेता हूँ कि कितना पैसा ये दोनों चैनल्स कमाते होंगे पर मंथ और पर ईयर। तो यहाँ पे मैंने एक साइट लेके आया हूँ सोशल ब्लेड, इसके अंदर आपको पता चलता है किसी भी चैनल की अर्निंग की कितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला चैनल का नाम डाला है टोटल गेमिंग, यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे अगर आप अर्निंग देखेंगे तो मंथली अर्निंग सिर्फ है इनकी $57,000, राइट, मिनिमम अर्निंग है ये, और अगर मैक्सिमम की देखते हैं तो $900,000 इनकी मंथली है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना पैसा ये गेमिंग से सिर्फ कमा रहे हैं, गेमिंग से, सब्सक्राइबर 24 मिलियन, 2 साल पुराना चैनल। तो आपको कितना बढ़िया निश मिल रहा है, अगर आपको गेमिंग आती है तो फटाफट से स्टार्ट करिए, वीडियोज डालिए, डेली बाय डेली पे लाइव जाइए, और मतलब जो भी है गिववे वगैरह स्टार्ट करिए, जितना पैसा आप कमाते हैं उसके अगर से आप शुरू में कुछ गिववे स्टार्ट करते हैं, मंथली में कुछ गिववे का ऑप्शन रख देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका चैनल धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो हो जाता है,
उनको लगता है कि ये जो बंदे हैं, ये जो पैसा कमाते हैं, ये थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं। ओके दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको लोग पसंद करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे चैनल की अर्निंग, एएस गेमिंग की। तो इसकी जो अर्निंग है इस चैनल की वो 33,000 डॉलर है मिनिमम अर्निंग, जो मैक्सिमम है वो आपका देख रहे होंगे 500+ thousand डॉलर है, राइट। सो दोस्तों ये दोनों चैनल गेमिंग के अंदर है और देख रहे हो आप कुछ नहीं करते, ये लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, वीडियो बना बना के डालते रहते हैं। सो आपको शुरू में इस तरीके का सेटअप नहीं लेना है, धीरे धीरे जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तो आप अपने सेटअप बनाइए और ज़्यादा देखिए कि कितना ज़्यादा आप इजी कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा और ज़्यादा वीडियोस बना सकते हैं, राइट। अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करिए या फिर किसी और के साथ कोलैबोरेट करिए, उनके साथ बैठ के वीडियोस बनाइए। तो कितना ज़्यादा इसके अंदर स्कोप है कि आपको कुछ करना नहीं है, खाली दिन भर में 1 से 2 घंटे लगते हैं मिनिमम गेम खेलने में और इसके अंदर आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, राइट। सो दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप गेमिंग के ऊपर स्टार्ट करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे निश की, और तीसरा निश है वो आपका गैजेट्स है या टेक्नोलॉजी है। जो भी मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में ऑलरेडी कंपनियां डिस्क्राइब करती हैं जब भी वो कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आती हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे जहां पे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ साथ एक वीडियोस भी अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हैं, राइट। सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उसी प्रोडक्ट को जहां जहां पे मिल रहा है आपको वहां से लेना है और उसको आगे पीछे कट करके उसके ऊपर कंटेंट बनाना है और उसको यहां पे पेश कर देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ चैनल्स ऐसा ही कर रहे हैं और वो खूब पैसा कमा रहे हैं इसी के थ्रू। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे एक चैनल है आपके पास ये न्यू टैग गैजेट्स एंड दूसरा जो चैनल है आपके पास टैग जोन। ये दोनों ही चैनल कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ वीडियोस को दूसरे की वेबसाइट से उठाते हैं या फिर सोशल मीडिया या फिर जो भी आपका प्लेटफॉर्म कह सकते हो, शॉपिंग वाली वेबसाइट जो होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां से ये कंटेंट या वीडियोस को उठाते हैं, उसके बाद इनको आगे पीछे कट करके और अपने हिसाब से कंटेंट को बनाते हैं। कंटेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको, जैसे कि आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, गूगल ट्रांसलेट पर जाइए, वहाँ पर आप अपने कंटेंट को बोलिए, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने उसी कंटेंट को फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए बोलना। दोस्तों यहाँ पे फेस वैल्यू जरूरत नहीं पड़ती, आप फेस दिखाएं या ना दिखाएं, यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारी वीडियो जो इन्होंने ऐड कर रखी है, मैं इसको ओपन करता हूँ पहले और एक वीडियो मैं यहाँ पे भी ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही वीडियोस अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखेंगे सबसे पहले तो ऐड चल रही होगी और ऐड को मैं स्किप करके फिर आपको दिखाता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पहली वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सिर्फ वीडियोस को ऐड कर रखा है और यहाँ पे कोई फेस नहीं आ रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपने जो कंटेंट लिखा है उसको आप पीछे बैकएंड में बोलते भी रहेंगे, पढ़ के बोलिए, देख के बोलिए या फिर बिना देखे बोलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको सिर्फ करना क्या है कि क्रेडिट देना है जहाँ से भी आपने वीडियोस लिए है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप इनके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट मी फॉर कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज, मतलब अगर किसी भी कॉपीराइट इशू के उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह सेल होता है ना तो कोई कंपनियां क्लेम नहीं करती है, उनको पता है कि यहीं से हमारी जो ब्रांडिंग हो रही है। एंड दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी ब्रांडिंग की जाती है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट सेल होता है, राइट। सो दोस्तों मैं आपको दूसरे जो चैनल है टैग जोन की उसकी भी एक वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है। ओके सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं चैनल को ऑलरेडी म्यूट कर रखा है वीडियोस को सॉरी, एंड जैसे कि आप नीचे देखेंगे ये वीडियो चल रही है तो फ्रंट में किसी का भी फेस नहीं आ रहा है, बैकएंड में वॉइस आ रही है, आप उसको चेक कर सकते हैं बाद में म्यूट होने के बाद। मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जितने भी चैनल या वीडियो की मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जब मर्जी तब देख सकते हैं, राइट। सो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वीडियो सिर्फ उठाई गई है दूसरे के चैनल से या वीडियो से प्लेटफॉर्म से और उसको यहाँ पे एडिट करके अपने वॉइस के अंदर यहाँ पे ऐड किया गया है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो हर उस वीडियो का कॉपीराइट का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ से इन्होंने वीडियो उठाई है और उसको यहाँ पे ऐड किया है वहाँ पे हर वीडियोस का इन्होंने लिंक दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने सारे जहाँ जहाँ से जितने भी वीडियोस को उठाया सबका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब कॉपीराइट का इसके अंदर कोई इशू नहीं आने वाला। और यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है अगर कोई कॉपीराइट इशू है तो प्लीज़ मेल करें, सो दैट आपको अगर कोई कॉपीराइट इशू होता है तो मेल कर देंगे वो लोग आपको, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है, जैसे भी वो कंपनी आपके साथ डील करती है उस हिसाब से आपको उनके साथ डील कर लेना है, राइट। सो दोस्तों अब इन दोनों चैनल्स की मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यू टेक गैजेट्स की, तो मंथली अर्निंग आप देखेंगे मिनिमम तो 1000 डॉलर है एंड अगर आप मैक्सिमम अर्निंग देखते हैं तो 20,000 डॉलर है। और अगर आप व्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो मिलियंस ऑफ व्यूज डेली बेसिस पे इनके चैनल्स पे आ रहा है,
राइट। तो दोस्तों आप डेली बेसिस पे कितना पैसा कमा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि डेली बेसिस पे आप कितना पैसा कमा सकते हैं एंड मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे कितना पैसा आप कमा सकते हैं वो भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर हर चैनल का दिख जाएगा राइट। सो इसी हिसाब से हम टैक्स जोन की बात करते हैं कि उनकी मंथली और मिनिमम और मैक्सिमम अर्निंग क्या है। तो मंथली अर्निंग अगर आप देखेंगे मिनिमम $3,000 है और अगर आप मैक्सिमम देखते हैं $53,000 है। ओके सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं। सिर्फ क्या करते हैं कहीं और से वीडियो उठाते हैं और आप उसको अपने लैंग्वेज में अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे एक वीडियो डालिए आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा 100% होगा क्योंकि लोग ऐसी वीडियो देखने को पसंद करते हैं क्योंकि उनको भी इस टाइप की वीडियोस देखने में मजा आता है और उनको भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है राइट। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने लास्ट निश की जिसके अंदर मैं बताऊंगा रिलैक्सिंग म्यूजिक के बारे में। अब रिलैक्सिंग म्यूजिक क्या होता है लाइक मेडिटेशन हो गया या फिर डीप ब्रीथ हो गया या फिर साइलेंट मूड किसी को रहना पसंद है तो वो लोग क्या करते हैं एक ऐसी म्यूजिक चला लेते हैं जो कि उनके माइंड को फ्रेश करती है रिलैक्स करती है। अगर वो ज्यादा काम करके आते हैं तो थके हुए होते हैं तो उनको जो मतलब काम डाउन करती है तो इस टाइप की वीडियोस आप भी बना सकते हैं और इस टाइप की वीडियोस से भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी बताया था उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप इस वीडियो को देखेंगे इसके अंदर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप रिलैक्सिंग म्यूजिक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और खूब सारा पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। अर्निंग वगैरह सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करी है स्टिल मैं थोड़ी बहुत आपको इस वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूँ राइट। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने सर्च किया है रिलैक्सिंग म्यूजिक जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एंड इस चैनल पे मिलियंस में व्यूज आते हैं और अगर आप देख रहे हैं लाइव भी कम से कम 8,000 पीपल या फिर कह दो 7,000 पीपल वॉचिंग कर रहे हैं मतलब कि लाइव देख रहे हैं लोग राइट एंड यहाँ पे देखेंगे 2,000 लोग लाइव देख रहे हैं। सो इनके ऊपर एड्स भी चलती है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको लाइव भी दिखाया एड्स कैसे चलती है किस तरीके से एड्स होती है। तो यहाँ पे मैंने एक चैनल ओपन किया है जिसका नाम है सूथिंग रिलैक्सन। अब यहाँ पे अगर आप इनके सब्सक्राइबर देखेंगे तो 7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है एंड इनकी अर्निंग अगर आप देखेंगे तो कमाल की अर्निंग है दोस्तों 18,000 जो है आपका मिनिमम है अर्निंग डॉलर के अंदर राइट एंड अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो $300,000 है मैक्सिमम राइट। ये सिर्फ मंथली अर्निंग है मैं एक दिन की या ईयरली अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई और चैनल स्टार्ट करते हैं हिंदी वगैरह में तो उसकी अर्निंग कम आती है क्योंकि इस टाइप के चैनल सिर्फ इंडिया में ही रन करते हैं। बट अगर आप कोई ऐसा चैनल स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर कुछ है ही नहीं और वो इंग्लिश हिंदी किसी भी टाइप के लोग देख सकते हैं तो आपकी अर्निंग सच में बहुत ज़्यादा आने वाली है राइट। तो दोस्तों ये तो टॉप के ऐसे 4 निश थे जिसके अंदर आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और आप चाहें तो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं फेस रिकॉर्डिंग की भी वैल्यू नहीं फेस की भी जरूरत नहीं है कैमरे की भी जरूरत नहीं है सिर्फ जरूरत है एक अच्छे से वॉइस स्पीकर की राइट। सो दोस्तों आप इन चारों को में से किसी भी चैनल के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 2 चैनल के ऊपर तो स्टार्ट करिए ही करिए। पहला है रिलैक्सिंग म्यूजिक जिसके अंदर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर सिंपल कुछ करना नहीं है कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं आने वाला है आपके चैनल पे क्योंकि यूट्यूब ने खुद कहा हुआ है कि कॉपीराइट की वीडियोस को आप उसको यूज़ कर सकते हैं बट कॉपीराइट का जो क्लेम है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा राइट। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनमें से किसी ना किसी के ऊपर तो वीडियो स्टार्ट करेंगे ही एंड दोस्तों मैं आपसे ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपना निश भी स्टार्ट करें जिसके अंदर आपको नॉलेज है उसके ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करें सो दैट आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा ग्रो होगी और ग्रो होने के बाद जब आप इसको शेयर करेंगे लोगों के साथ तो लोगों का क्वेश्चंस भी आएगा आप उनके जब आंसर देंगे तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा ग्रो होगी राइट। सो दोस्तों अब हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस एंड ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है उसके ऊपर भी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी राइट। एंड दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या फिर ऑनलाइन पैसा कमाने रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट करके जरूर बताना हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना के जरूर देंगे राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।